दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रैवल रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ और टिप शेयर करूंगा जो आपके बहुत ही काम आएगा। तब शुरू करते हैं दोस्तों, अब अपने अमेरिका चलते हैं। विलियम वेलबोर्ड के होटल उसने एक बहुत ही अनोखा स्केटिंग रिंक बनाया है 23rd फ्लोर में, जहाँ से 360 डिग्री का व्यू आता है। पर वो तो खास बात है, पर स्केटिंग रिंक का क्या खास बात है, यह है कि वो पूरा आइस से बना हुआ है। अब आप बोलो कि आइस वो भी ओपन, हाउ इज इट पॉसिबल, मेल्ट तो होगा ही समर्स के समय, ठीक है विंटर में रहेगा, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि समर भी उसको मेंटेन कर पाए, वो भी आउटडोर होके। वेल एक्चुअली खास बात ये है कि वो एक्चुअली रियल आइस का बना हुआ ही नहीं है, वो सिंथेटिक आइस का बना हुआ है। और दोस्तों सबसे बड़ा आराम है कि आप गिरोगे भी ना तो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि रियल आइस का है ही नहीं, तो आपको ना ठंड लगेगी ना वेट फील करोगे, तो ये भी आराम है। और सबसे बड़ा है ना कि इसका जो भाड़ा भी वो भी काफ़ी कम है, मतलब एडमिशन चार्ज और जो रेंट लोगे आप स्केट्स का वो केवल 1500 रुपये अडल्ट का और बच्चों का केवल 800 रुपये, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी रिजनेबल है। और टाइमिंग्स भी सही है, जैसे वेटनेसडे थर्सडे को दोपहर का 2 बजे से रात 10 बजे तक है, फ्राइडे सैटरडे दोपहर का 2 से रात का 12 बजे तक, और संडे को दोपहर का 2 बजे खुलता है और वही रात का 10 बजे बंद होता है। तो ये टाइमिंग्स है, आराम से आप करो, मतलब व्हाट एन इंटरेस्टिंग हो गया, मतलब एक्चुअली इंडिया में भी आना चाहिए, जरूर आएगा इंडिया में भी डेफिनेटली, कि आप ओपन में आप आइस स्केटिंग रिंक एक्चुअली पॉसिबल है नाउ विद दिस सिंथेटिक आइस। वाह, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। दोस्तों अब अपने यूरोप चलते हैं, और वहाँ का एक बहुत ही फेमस प्लेस है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सीनिक विलेजेस है, जिसका नाम है हॉसेट। देखिए बहुत से लोग ऑस्ट्रिया जाते हैं पर वियना साल्सबर्ग वो होके आ जाते हैं, हॉसेट नहीं जाते, थोड़ा सा दूर पड़ता है, बस जरूर जाइए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्या लोकेशन है उसका, सामने लेक, मतलब अल्टीमेट। पर अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इंडियन टूरिस्ट में भी इतना पॉपुलर नहीं है, पर बाहर के लोग तो जरूर जाते हैं। और उससे हो क्या रहा है कि देखिए उस विलेज में केवल 800 लोग रहते हैं, बट डेली के 10,000 टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ। उस कारण क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया वहाँ के इकॉनमी को लेकर, स्पेशली उस जगह को लेकर। तो इसलिए अब गवर्नमेंट क्या करिए कि स्पेशल बसेस शुरू की है, और वो बसेस जो स्पेशली जो एक स्टॉप से 20 स्टॉप्स तक ले जाएगी टूरिस्ट को, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। पहले क्या होता था ना, बसेस बस हॉस्टल जाती, हॉस्टल से वापस आ जाती, तो उसके बीच में उसके बाद में भी जो कई सारे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है उसको टच ही नहीं करती। तो गवर्नमेंट चाह रही कि वो सब भी टूरिस्ट जाए, वहाँ भी देखे, वो सब जगह भी देखे, इनसे कि सिर्फ हॉस्टल में जाके इन्जॉय करे। तो उस कारण से ध्यान में रखिएगा, अब ऐसा नहीं कि आप जब चाहो एंट्री को कितने लोग भी चाहे एंट्री कर ले हॉस्टल में, अब लिमिट कर देंगे नंबर ऑफ टूरिस्ट का। इनफैक्ट यू नो, ये इतना सुंदर विलेज है कि चाइना में इसका हूबहू बेसिकली बनाया गया एक विलेज, एंड 2011 में इनफैक्ट बन गया है, और वो एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया चाइना में, काफ़ी लोग जाते हैं। बस जिस डेफिनेटली जिस हिसाब से लोग सोचे थे उतना पॉपुलर होगा उतना हो नहीं पाया, बिकॉज वेदर का तो देखिए प्रॉब्लम है, और चाइना में गर्म के समय बहुत गर्मी होती है, ऑस्ट्रिया की तरह जहाँ गर्मी के समय भी बहुत बढ़िया वेदर रहता है, तो विंटर्स में तो बहुत बढ़िया लगता है वहाँ जाना, गर्मी के समय देखिए वेदर का तो मज़ा नहीं है चाइना में, बट बनाए एकदम उसी स्टाइल से। दोस्तों इनफैक्ट इस टाइप के स्टेप्स बहुत से कंट्री के गवर्नमेंट्स ले रही है, स्पेशली कुछ कुछ कंट्रीज के जहाँ के कुछ साइट्स इतने पॉपुलर है, इतने हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, तो कैसे उस जगह का वो मैनेज करे टूरिस्ट को, और उसका सुंदरता बरकरार है, उस तरह से क्या क्या ब्यूटीफुल स्टेप्स और बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप्स ले रहे, उन सब के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप्स लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों अब अपने चलते हैं रोम, जहाँ आप देखिए कोई भी आप फोटो वीडियो रोम का देखे होंगे, वहाँ स्पेनिश स्टेप्स आप जरूर देखे होंगे, वो वहाँ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट्स है पूरा रोम का। अब वहाँ देखेंगे बहुत सारे लोग बैठे हुए आराम से देख रहे हैं, सामने म्यूजिक परफॉर्मेंस हो रहा है, कई तरह के परफॉर्मेंस इनफैक्ट हो रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे, रिलैक्स कर रहे हैं। तो अब देखिए अब ये सब अलाउड नहीं है, बैंड हो गया कम्प्लीटली, तब आप भूल से भी मत सोचेगा स्पेनिश स्टेप्स के ऊपर बैठने का, क्योंकि अगर आप बैठते हो तो आपको फाइन किया जाएगा, ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का फाइन है, तो ध्यान में रखिएगा। इनफैक्ट अगर आपका होटल भी होना और आपको जाना हो स्पेनिश स्टेप्स के थ्रू, तो अपना लगेज लेकर आप उसको भी घसीटते हुए नहीं जा सकते, वो भी अलाउड नहीं है। कारण ये है कि ऑलमोस्ट करीबन 10 करोड़ स्पेंड किया उसके ऊपर रेस्टोरेशन के लिए, पूरा नया ढंग से बनाया गया, उसमें देखिए इतने सालों के बहुत सा वेयर एंड टेयर हो गया था, जैसे आपके सिगरेट के मार्क्स हो गए थे, वाइन के मार्क्स हो गए थे, च्युइंगम लोग चिपका रखे थे, मतलब कई तरह के वेयर एंड टेयर थे, उस सबको ठीक किया गया, इसे आप एकदम बैन टोटली। और क्या होता था, पहले भी बात हो रहा था बहुत सालों से कि बैन करने का, पर इतना सीरियस लोग कर नहीं रहे थे, इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, पर अब लोग कर रहे, इनफैक्ट कुछ लोगों से फाइन किया भी गया। तो आप ध्यान में रखेगा स्पेनिश स्टेप चाहे तो आप बैठेगा मत, इन्जॉय करे बैठे मत। एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ
कि आप सोचो कि बैठे मत तो खड़े होकर तो एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ खड़े होकर मैं खा पी लिया, ड्रिंक कर लिया, वेल वो भी अलाउड नहीं है। खाना पीना भी अलाउड नहीं, वहाँ आप खड़े हो या बैठे हो वो भी ध्यान रखेगा, नॉट अलाउड। नथिंग इज अलाउड टू ईट और ड्रिंक वाइल यू आर स्टैंडिंग और सिटिंग ऑन द स्टेप्स। इनफैक्ट दोस्तों, खाने पीने का बात करें तो एक्चुअली वेनिस में रियाल्टो ब्रिज में दो जर्मन टूरिस्ट को 80,000 रुपये फाइन किया गया था। क्यों? क्योंकि वो कॉफ़ी बना रहे थे ब्रिज में। तो ये सब चीज़ देखिए लगता है कि भाई कुछ इंटरेस्टिंग कुछ करे, पर अब सोचे मत करने का, क्योंकि बहुत जगह बहुत एक्सट्रीम रूप में बैन किया गया और बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट उन्होंने पार्शली क्लोथिंग भी अलाउड नहीं रहा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इटली में। तो देखिए जनरली अपने इंडियंस लोग करते भी नहीं है, हम लोग का संस्कृति में नहीं कि अपने उस टाइप का ड्रेस पहने या एकदम बेयर चेस्ट घूमें या बिकनी में घूमें। बट पहले ये बाकी जगह अलाउड था, काफ़ी जगह कंट्रीज लोग आके उनके वेमेंट करते थे, अब वो भी अलाउड नहीं है। ट्रेवी फाउंटेन जो स्पेनिश टेक्सस का अगेन बहुत ही पॉपुलर साइट है अमंग्स टूरिस्ट इन रोम, वहाँ भी अब लोग ट्राई कर रेगुलेट करने का टूरिस्ट को, मतलब पियाजा जो एरिया है वहाँ बहुत कम टूरिस्ट का अलाउ किया जाएगा, मतलब रेगुलेट किया जाएगा ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो उस एरिया में। और दूसरा चीज़ वो लोग क्या करेंगे कि जो आराम से फाउंटेन का जो मार्बल स्टेप्स में बैठ जाते थे उसके अराउंड जो था, और बहुत लोग अंदर घुस भी जाते थे, तैर भी थे, चलते भी थे, अलाउ पहले भी नहीं था पर ठीक है अलाउ कर देते, इतना स्ट्रिक्टली नहीं था। अब क्या करेंगे लोग बेसिकली उसके चारों तरफ एक बैरियर ही बना देंगे ताकि कोई भूल से जंप कर भी नहीं पाए, और चाहे भी तो नहीं कर पाए। तो ये अब करने वाले हैं, और वहाँ ताकि जाम नहीं हो, ट्रैफिक जाम नहीं हो, इसलिए वहाँ भी बेसिकली वो लोग रेगुलेट कर देंगे कि सबको सीढ़ा में एक साइड में एक बार में अलाउड नहीं होगा, या मे बी हैवी फाइन कर दिए, ऐसा कुछ कर दिए। तो वो सब प्लान है ट्रेवी फाउंटेन को बचाए रखने का। इनफैक्ट दोस्तों, इटली के जो इतने भी मेन शहर हैं, जितने भी मेन टूरिस्ट एरियाज हैं, जैसे रोम हो गया, वेनिस हो गया, फ्लोरेंस हो गया, इन सब के जगहों में जहाँ जहाँ मेन मॉन्यूमेंट्स है वहाँ आपका खाना पीना एकदम अलाउड नहीं है, रस्तों में लिटर करना अलाउड नहीं है, ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। इनफैक्ट एक तो बहुत ही अजीब गरीब रूल आया है कि जाकर बीच एरिया में होना तो वहाँ से आप सैंड भी स्टील नहीं कर सकते, आप कलेक्ट नहीं कर सकते, आप बैग में डाल नहीं सकते हो। मतलब एक्चुअली ऐसे लोग करते हैं कि बालू बकायदा वो लोग अपना बैग में डाल देते हो, ले जाते हैं बालू वहाँ से, तो वो भी अलाउड नहीं। यहाँ तो मैं बोलना चाहूँगा कि अपने इंडियंस ही ठीक है, एटलीस्ट अपने बालू तो नहीं चुराते। मैं तो किसी को नहीं देखा कि बालू अपना बैग में भरे ले जाने के लिए कहीं। तो एटलीस्ट वी आर मच बेटर देन देम, और कितने बोले अपने पुअर कंट्री, आई थिंक वी आर मच मोर रिच एटलीस्ट ये सब मामले में। तो दोस्तों अब अपने चलते हैं एम्स्टरडैम, और देखिए एम्स्टरडैम में भी इतना भयंकर टूरिस्ट का फ्लो आता है। एक्चुअली देखा जाए वहाँ का पॉपुलेशन है 8.5 लाख, पर हर साल ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग आते हैं एज टूरिस्ट टू एम्स्टरडैम। तो वहाँ भी टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहाँ भी लोग क्या कर दिए, अब आप एम्स्टरडैम में ड्रिंक करोगे ना तो आपको 8,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। अब जो बियर साइकिल्स चलते थे वो बंद हो गए। अगर आप लिफ्टिंग करते हुए पकड़े गए तो 10,000 रुपये का फाइन। अगर आप सुसु या यूरिनेट करते हुए पकड़े गए तो उसका भी 10,000 रुपये का फाइन है। दैट मीन्स वहाँ लोग करते हैं पब्लिकली, ओपन में करते हैं, विच इज़ क्वाइट बैफलिंग, बिकॉज मैं सोचा नहीं था कि ऐसा वहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी पब्लिक यूरिनेशन होता हो, पर ऐसा होता है इसलिए फाइन किया गया। इसके अलावा आपका जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली जो ग्रुप टूर्स को ले जाते थे दिखाने के लिए, वो भी अब बंद हो गया, बैन हो गया, वो अब नहीं अलाउड है। तो कई चीज़ बैन हो गया, तो ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप आराम से पीरो रस्ते में चल रहे हो एम्स्टरडैम में, वेल आपको फाइन देना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हो। और इनफैक्ट इन्होंने एक्चुअली टूरिस्ट टैक्स जो है उसको भी बढ़ा दिया है, ताकि लोग एम्स्टरडैम जो सिर्फ एक दिन के लिए आते थे एंजॉयमेंट के लिए उनको महंगा पड़ेगा। तो लोग चाहते हैं कि एम्स्टरडैम कुछ और रात के लिए आए। इनफैक्ट एम्स्टरडैम में केवल नहीं रुके, उसके आसपास और भी जो इतने सुंदर जगह है, सुंदर सुंदर टाउन्स एंड हैमलेट्स है, वहाँ लोग रुके, ताकि एम्स्टरडैम के ऊपर प्रेशर नहीं आए टूरिस्ट लोग का बेसिक करके। इसलिए अब एम्स्टरडैम में थोड़ा सा आप देखोगे होटल रेट्स या एयरबीएनबी रेट्स, इनफैक्ट हॉस्टल रेट्स, सबके थोड़ा रेट्स आपको बढ़े हुए देखेंगे पहले से, ध्यान दीजिएगा। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वहाँ आई लव एम्स्टरडैम साइन इतना पॉपुलर है कि आप देखेंगे बहुत से वीडियोस और इमेजेस में कि वो साइन में उसके सामने लोग अपना सेल्फी ले रहे हैं। वेल अब वो अलाउड नहीं है। अलाउड क्या नहीं, अब आप ले ही नहीं सकते हो क्योंकि साइन ही हटा दिया गया। दोस्तों अब अपने चलते पेरिस, जो वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज है वर्ल्ड का। इनफैक्ट 5 करोड़ लोग आते हैं टूरिस्ट एवरी ईयर पेरिस में। अब इतने सारे जो टूरिस्ट आते हैं स्पेशली टूरिस्ट बसेस में, उससे क्या होता है ना, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है स्पेशली टूरिस्ट सेक्टर में, इसलिए अब बैन कर दिया गया एक्चुअली सब टूरिस्ट बसेस को। इसलिए अगली बार आप जाओगे ना पेरिस, जो पहले आराम से लोग टूरिस्ट बस में घूम लेते 3-4 घंटा, अब वो नहीं कर पाओगे स्पेशली इन द सिटी सेंटर। अब आपको पहले उतरना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स लेना पड़ेगा, वहाँ के जो लोकल बसेस है या ट्रैम से, या बेसिकली फुट में जाओ या मेट्रो पकड़ो जैसे भी, तो वहाँ से आपको बाकी सिटी सेंटर में मॉन्यूमेंट्स या जो अट्रैक्शंस देखने होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब स्पेशली अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो,
तो थोड़ा मुश्किल आ जाएगा आपको। दोस्तों अब अपने चलते बेल्जियम और वहाँ का बहुत ही प्यारा जगह ब्रूज। देखिए ब्रुसेल्स तो बहुत पॉपुलर है बेल्जियम का, पर ब्रूज इज एक्चुअली मोर पॉपुलर देन ब्रुसेल्स। इनफैक्ट 83 लाख टूरिस्ट आए थे लास्ट ईयर। और स्पेशली यहाँ के स्पेशली क्या होता है ना कि जितने भी आपके जो क्रूज शिप से जो आते हैं उन लोग काफ़ी यहाँ डे टूर्स करते हैं, तो उससे क्या होता है ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है टूरिस्ट लोग का फ्लो का, जिसमें आप क्या उसको लिमिट करते हैं कि एक बार में केवल 2 ही क्रूज शिप डॉक हो सकता है। पहले 5 अलाउड था, अब केवल 2 ही अलाउड है। और एक और चीज़ कर दिए कि लोग प्रीफर करते कि वीकडेज में आए रादर देन वीकेंड्स, तो ये 2 चीज़ लोग रेगुलेट करना शुरू कर दिए। बट डेफिनेटली आप बेल्जियम जाओ ना तो ब्रूज जरूर जाएगा, आपको मजा आ जाएगा देख के। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फेरी लाइक टाउन। अब अपने चलते USA और वहाँ वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड जो फ्लोरिडा में है और डिज्नीलैंड जो कैलिफोर्निया में है, वहाँ भी कुछ रूल्स इंप्लीमेंट किए गए। जैसे कि तो वहाँ स्मोकिंग अब अलाउड नहीं, ऐसे भी जहाँ चलते वहाँ बेसिकली स्मोकिंग डिजाइनेटेड एरियाज है, वहीं आप स्मोकिंग कर सकते हो। दूसरा बहुत ही प्यारा रूल क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों ने बेसिकली सुविधा कर दिया है लोगों के लिए। क्या होता है ना वहाँ बहुत लंबे लंबे लाइन लगते हैं, 1-1.5 घंटा तो लोग खड़े रहते हैं लाइन में। अब बाई चांस बीच में टॉयलेट आ जाए या कुछ आ जाए तो फिर कैसे लाइन छोड़ के जाए, लाइन छोड़ के गए तो गया फिर वापस पीछे लगो। तो उसके लोग क्या किए टॉयलेट पासेस देने लग गए, तो जिनको अगर टॉयलेट या बाथरूम जाना हो तो टॉयलेट पास उनसे ले लो, फिर अपना हो के आ जाओ, आप जहाँ खड़े थे वहीं वापस आप खड़े हो सकते हैं। तो दिस अ ब्यूटीफुल सिस्टम, इनफैक्ट और कंट्रीज में इंप्लीमेंट करना चाहिए। इंडिया में भी जो बेसिकली जो साइट्स है जहाँ बहुत इन्फो टूरिस्ट का बहुत लंबी लाइन लगती हो वहाँ भी ये शुरू कर देना चाहिए। आप क्या कहते हो, डू फील इट शुड बी इंप्लीमेंटेड इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? हैं कि इस टाइप के वीडियोस में और बनाऊं तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं इस टाइप के रेगुलरली आपको वीडियोस पोस्ट करता रहूं। और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको एवरी नाउ एंड देन वीडियोस देखने को मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।